हेलो नमस्ते आदाब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरीद ब्लॉग्स। डेट है आज 30 अगस्त, टाइम हो रहा है सुबह के 9:40। आज है पांचवा दिन इस लद्दाख राइड का और मैं आज दिल्ली में हूँ। कल मैं दिल्ली पहुँच गया था, आज और कल दो दिन जो है मैं दिल्ली को थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा और मुझे वार्म ट्राउजर्स और थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी यहीं से, तो वो मैं परचेज करूँगा। तो आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितना घूम पाएंगे। वैसे गर्मी यहाँ बहुत है पर फिर भी चलिए चलते हैं। दिल्ली की भीड़ और ट्रैफिक के हिसाब से ओला बाइक रेंटल ही सही लगा कम्यूटिंग के लिए। तो ओला से मैं सबसे पहले दिल्ली की फेमस दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया पे गया। दरगाह पे हाजिरी के बाद मैं अपने पहले टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुमायूं के मकबरे के लिए निकल गया जो दरगाह के पास ही है। तो मेरा पहला जो डेस्टिनेशन है वो हुमायूं का मकबरा है। आज जन्माष्टमी है वैसे, इसलिए सब कुछ बंद है, पता नहीं यहाँ अभी खुला होगा या नहीं। अगर ये खुला नहीं होगा तो इसका मतलब कोई भी टूरिस्ट प्लेस आज खुला नहीं है। मैं रूम पे वापस जाके फिर RT-PCR करवा लूँगा अपना, क्योंकि दो दिन मतलब एक दिन कल रहेगा, फिर बुधवार के दिन मुझे निकलना है लद्दाख के लिए। तो जम्मू एंटर करने के लिए मुझे RT-PCR का रिपोर्ट ज़रूरी होगा। वैसे भीड़ यहाँ बिल्कुल कोई भी है ही नहीं, पता नहीं लोग आते नहीं हैं या आज बंद है, देखते हैं। मगर ऑलमोस्ट मैं 8 किलोमीटर जो है ट्रैवल करके आया हूँ यहाँ पर आने के लिए। तो आते आते रास्ते में इंडिया गेट देख लिया था, नेशनल म्यूज़ियम देख लिया था, मतलब बाहर से ही सब बंद है आज, इसलिए मुझे लग रहा था कि अब ये भी खुला होगा या नहीं। गूगल में वैसे ओपन दिखा रहा है, देखते हैं। लकीली हुमायूं का मकबरा खुला था टूरिस्ट के लिए, तो मेरा आज आना सफल हुआ। हुमायूं कॉम्प्लेक्स बहुत ही बड़ी जगह है। एंट्री चेक पॉइंट पे बैगेज क्लियरेंस होता है और ट्राईपॉड मोनोपॉड जैसी चीज़ों का ले जाना मना होता है। तो सिंस मैं मोनोपॉड कैरी कर रहा था तो मुझे हैंड ओवर करना पड़ा। अंदर आने के बाद आपको बहुत सारे टोम देखने मिलते हैं। सबसे पहले आप राइट में जाएंगे तो ईसा खान टोम करके एक है। ईसा खान नियाजी शेरशाह सूरी के दरबार में एक अहम दरबारी महान थे। ईसा खान का ये मकबरा 1547 से 1548 के बीच शेरशाह सूरी के दौर में ही बनाया गया। ये मकबरा अष्टकोण यानी ऑक्टोगनल है और लोदी वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया है। मकबरे की ऊंचाई जमीन से 1 मीटर ऊपर है। इस मकबरे को ग्रे क्वार्ट्जाइट और रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। दीवारों के कुछ हिस्सों पर प्लास्टर से स्टक्को डिजाइन किए गए हैं और कई जगह अलग अलग रंग के टाइल्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। मकबरे के अंदर 6 कब्रें मौजूद हैं, जिनमें से 2 बड़े और 4 छोटे हैं। इस अकान की कब्र को संगमरमर और रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। मकबरे के अंदरूनी हिस्से में भी अष्टकोण दीवारें हैं। गुंबद के अंदरूनी हिस्से के बीच में मौजूद नक्श फारसी फ्लोरल डिजाइन है। मकबरे की मगरबी दीवार में एक मेहराब है जो मक्के की तरफ रुख करता है और जिसपे कुरान की आयतें नक्श हुई हैं। ये मेहराब बाहर से भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया है जितना कि ये अंदर से है। ईसा खान के मकबरे के पश्चिमी ओर एक मस्जिद बनाई हुई है जिसके 3 गुंबद हैं। ये मस्जिद भी ग्रे क्वार्ट्जाइट से बनाई गई है और जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पे है। 2 छोटे गुंबदों को पत्थर के पिलर पे खड़ाया गया है और उन पे हरे और नीले टाइल से कारीगरी की गई है। इसके 3 द्वार हैं जिसमें से मुख्य द्वार बीच वाला है और उसको रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही सिंपल बनाया गया है।
इसमें तीन मेहराब हैं जिस पर कुरान की आयतें नक्श की गई हैं। मस्जिद की छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं जो शायद अभी बंद कर दी गई हैं। अगले एपिसोड में हुमायूं कॉम्प्लेक्स के और अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे हुमायूं का मकबरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।